खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर दे दे, पुलवामा में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ है बड़ा आतंकवादी हमला, जिसमें कई जवानों के शहीद होने की आशंका है। हमले में 18 सीआरपीएफ के जवान घायल हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको मौके से दिखा रहे हैं। आपको बता दें, जैश मोहम्मद की तरफ से कहा गया है कि वो इस हमले के पीछे है। जैश की तरफ से ये बड़ा हमला जो पुलवामा में किया गया है। सीधे रुक करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, क्या जानकारी मिल रही है? पहले श्रीनगर और पुलवामा के बीच लखपुरा के पास एक बारूदी सुरंग का विस्फोट हुआ, जिसमें सीआरपीएफ की एक गाड़ी उसकी चपेट में आ गई, जिसमें 20 से लेकर 25 सीआरपीएफ जवानों के जख्मी होने की खबर है। और जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार तकरीबन 8 सीआरपीएफ जवानों के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक इस बात की नहीं हुई है, लेकिन विस्फोट इतना तीव्र था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसमें जो जवान सवार थे सबके सब जख्मी हुए हैं और कुछ जवानों के जो है अंग तक विशिष्ट हो गए थे, वो कट गए थे, जिनको घटनास्थल से जो है सीआरपीएफ जवानों ने वहां पे इकट्ठा किया है। पूरी जम्मू श्रीनगर हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है और हम जिस जगह पे खड़े हैं वो घटनास्थल से तकरीबन 2-3 किलोमीटर आगे है, लेकिन यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन विस्फोट इतना तीव्र था कि उसकी आवाज तकरीबन 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और जो सीआरपीएफ की गाड़ी है वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। रोमाना, तो मतलब घात लगाकर इस हमले को अंजाम दिया गया, आसिफ कुरैशी आप यही बता रहे हैं? बिल्कुल, देखिए एक बहुत ही बड़ी आईडी जो है हाईवे पर लगा दी गई थी, जिसकी चपेट में सीआरपीएफ की ये गाड़ी आई। बता दूं कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ये लखपुरा का जगह है जहां पे ये विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद फायरिंग भी हुई, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या विस्फोट के बाद यहाँ पे जवानों पर फायरिंग हुई या फिर जवानों ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर फायरिंग की। लेकिन विस्फोट काफी तीव्र था, जिसमें ये गाड़ी पूरी तरीके से नष्ट हो गई और 20 से लेकर 25 जवानों के जख्मी होने की खबर और आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी आई है उसके अनुसार 8 जवानों के मारे जाने की भी खबर है। जी, पुष्टि नहीं हुई है अभी, मैं दोहरा देती हूँ, खबर आ रही है, आशंका जताई जा रही है कि 8 जवान शहीद हो सकते हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हमले के वक्त की, ये तस्वीर बीच हाईवे पर सड़क पर आईईडी और जैसे ही उस पर से सीआरपीएफ की गाड़ी गुजरी, बड़ा धमाका, धमाका ऐसा जिसकी आवाज आसपास के कई किलोमीटर तक गूंजी और जो उसमें सीआरपीएफ के जवान बैठे हुए थे उनके कुछ की तो बताया जा रहा है कि कुछ अंग भी इधर उधर जाकर गिरे हैं। 8 जवानों के शहीद होने की आशंका है, 20 से 25 जवान घायल हो सकते हैं। घात लगाकर किया गया यह हमला। आसिफ कुरैशी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, कौन सी गाड़ी थी सीआरपीएफ की, कितने जवान उसमें सवार थे, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? ठीक है, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन जिस बड़ी संख्या में जवान हताहत, यही लग रहा है कि सीआरपीएफ की बस थी जो बारूदी सुरंग की चपेट में आई है, जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जो जवान है वो हताहत हुए, जबकि 8 के मारे जाने की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन खबर है, जबकि 20 से लेकर 25 जवान जो कि इस बस में सवार थे उनके जख्मी होने की खबर है। मिलिट्री संगठन जैश ए मोहम्मद की तरफ से इसकी जिम्मेदारी ली गई है और उसमें कहा गया है कि सीआरपीएफ की इस बस को निशाना बनाकर ये हमला किया गया है। रुमाना जी, ये बस कहाँ जा रही थी, इस बारे में क्या जानकारी, मूवमेंट कहाँ से कहाँ के लिए हो रहा था? देखिए, जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसके अनुसार ये बस श्रीनगर से पुलवामा की तरफ ही जा रही थी जब ये इस विस्फोट की चपेट में आ गई। काफी बड़ा धमाका ये था जिसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई थी, उसके बाद गोलियों की भी सनसनाहट काफी देर तक सुनाई थी, लेकिन ये लग रहा है कि केवल एक आईडी लगाकर सीआरपीएफ की कॉन्वॉय को निशाना बनाने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं जिन्होंने भी ये कार्रवाई की थी उसमें सफल हुए। हालांकि पिछले कुछ दिनों से देखें तो दक्षिण कश्मीर में काफी बड़ी संख्या में एनकाउंटर्स हुए थे जिसमें बड़ी संख्या में मिलिटेंट भी मारे गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मिलिटेंट अपनी बताने के लिए, अपनी पहचान बताने के लिए, अपनी प्रेजेंस बताने, बड़ी घटना जो है वो अंजाम दी है। अभी तक 8 के मारे जाने की खबर है जबकि 20 से लेकर 25 जवानों के जख्मी होने की खबर है।
और जैसा कि आपने कहा कि सीआरपीएफ की एक गाड़ी और जब भी जवानों का इस तरीके का मूवमेंट होता है तो कॉन्वॉय के साथ होता है, और कितनी गाड़ियां जो इस बस को कवर करके चल रही थी। मैं जरा ग्राफिक्स के जरिए बता दूं किस तरीके से श्रीनगर से पुलवामा के बीच ये हमला जो सीआरपीएफ की बस पर किया गया है, बीच हाईवे के आईईडी लगाया गया, बारूदी सुरंग जिसकी चपेट में आई सीआरपीएफ जवानों को ले जा रही सीआरपीएफ की ये बस, 20 से 25 जवान बताया जा रहा है उस वक्त बस में मौजूद थे। 8 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है, पुष्टि अभी नहीं हुई है। आसिफ कुरैशी, कॉन्वॉय कितना बड़ा था और कितनी गाड़ियां थी? आसिफ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? संपर्क हमारा आसिफ कुरैशी जी आसिफ, कॉन्वॉय के बारे में बताइए, क्योंकि जब भी इस तरीके का मूवमेंट होता है तो फिर एक अकेली गाड़ी नहीं होती, आगे पीछे उसे और गाड़ियां कवर करके चलती हैं। बिल्कुल रोमाना, देखिए जिस तरीके का मूवमेंट रहता है हाईवे पर हमेशा ही जो है जो रोड ओपनिंग पार्टीज रहती है सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक उनकी ड्यूटी रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है कहीं ना कहीं सुरक्षा में एक चूक माना जाएगा जिसकी जांच होगी। लेकिन कॉन्वॉय में आमतौर पर 5 से लेकर 8 गाड़ियां चलती हैं, और जबकि इतनी बड़ी संख्या में जवान जब गाड़ियों में हो तो उसके आगे पीछे कम से कम 4 से 5 गाड़ियों का जो काफिला है वो चलता है। लेकिन जिस तरीके से केवल उस बस को निशाना बनाया गया जिसमें बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान थे, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी ना जो है ऑपरेशन की साजिश है जिसको अब जांच के बाद ही सामने लाया जा सकता है। लेकिन काफी समय के बाद इस तरीके की कोई घटना जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे हुई है जहां पे इतनी बड़ी संख्या में जो है जवान हताहत हुए हैं। रोमाना, ये बड़ी जानकारी देते हुए आसिफ कुरैशी, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वहां पर हुआ है ये बड़ा आतंकवादी हमला जिसकी चपेट में आई है सीआरपीएफ जवानों को, श्रीनगर से पुलवामा ले जा रही बस। देखिए आप किस तरीके से धमाका हुआ, बाकायदा सड़क पर आईईडी बिछाया हुआ था आतंकवादियों ने और उसी की चपेट में आ गई सीआरपीएफ की ये बस। धमाका इतना बड़ा कि आसपास कई किलोमीटर तक इस धमाके की गूंज सुनाई दी। अभी भी आप देख रहे हैं कैसे धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, ये वही सीआरपीएफ की बस है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं जिस वक्त आग लगी उस वक्त की भी तस्वीरें, फिर धुआं उठता हुआ और बाकी गाड़ियां किस तरीके से मौके पर पहुंची, ये देखिए ये तस्वीर उस वक्त की जब धमाका हुआ था, आग की लपटे भी दिख रही है, धुआं भी उठता हुआ नजर आ रहा है और बाद में जब पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन बड़ी बस है सीआरपीएफ की जो नजर आ रही है इस तस्वीर में, और ऐसे में यह माना जा रहा है कि 20 से 25 सीआरपीएफ के जवान जो बस में मौजूद थे, मूवमेंट हो रहा था इनका श्रीनगर से पुलवामा की तरफ और उसी दौरान सीआरपीएफ की इस बस को निशाना बनाया गया। 8 जवानों के शहीद होने की आशंका जताई जा रही है, खबर यह कि 8 जवान शहीद हो गए हैं, हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में हुआ ये सबसे बड़ा हमला है और कहीं ना कहीं ये हमला बता रहा है कि कितनी बड़ी साजिश आतंकवादियों की तरफ से रची गई, किस तरीके से घात लगाकर आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहां जम्मू श्रीनगर के बीच इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाकायदा आईईडी बिछाकर चले गए आतंकवादी और उसी की चपेट में आई सीआरपीएफ की ये बस, और जहां ये हमला हुआ है घटनास्थल के बेहद नजदीक इस वक्त पहुंच गए एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी। आसिफ, कुछ तस्वीरें दिखा पाएंगे आप? आसिफ से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने देखा होगा कुछ देर पहले किस तरीके से आसिफ जो हैं वो गाड़ी में ही बैठे हुए थे, ट्रैवल कर रहे हैं, मौके के और करीब पहुंचने की वो कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उनकी तरफ से ये भी बताया जा रहा था कि सुरक्षा को देखते हुए इस इलाके को अब बैरिकेडिंग कर दी गई है, यहां पर जाने नहीं दिया जा रहा है। और ये दो तस्वीरें देखिए आपके सामने, एक तरफ जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त आग और धुआं उठते हुए बस में से नजर आ रहा है, और वहीं दूसरी तरफ बाद की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब धमाके की चपेट में आकर जलकर खाक हुई बस खड़ी हुई नजर आ रही है। ये लाल घेरे में जो आप देख रहे हैं वो तो जिस वक्त धमाके के बाद बस में आग लगी
और अब देख रहे थे जो तस्वीर वो बस की जली हुई, धमाके के बाद जलकर खाक हुई बस की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीआरपीएफ की ये बस थी जो इस धमाके के चपेट में आई और 8 जवान शहीद हुए हैं। आतंकी हमले में 8 जवान शहीद, हमले में 20 से ज्यादा जवानों के घायल होने की खबर, 20 से 25 जवान बताया जा रहा है जो इस बस में मौजूद थे जिस वक्त ये बस आतंकवादी हमले का शिकार हुई। और बड़ी बात ये कि जब भी इस तरीके का मूवमेंट होता है जवानों का, तो फिर अकेली गाड़ी नहीं होती है, एक जो चली जाती है जवानों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह, बाकायदा कॉन्वॉय चलता है। और अमूमन इस कॉन्वॉय में 5 से 8 गाड़ियां होती हैं जो साथ चल रही होती हैं, खासतौर से जब जवानों की संख्या इतनी ज्यादा होती है। एक बड़ी बस है ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, कोई मिनी बस, छोटी बस नहीं थी, बड़ी बस है। नॉर्मल जो बड़ी बसें होती है वैसी बस है ये जो 20 से 25 जवानों को लेकर जा रही थी श्रीनगर से पुलवामा की ओर। और उसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर आतंकवादियों ने बिछाया था बारूद, आईईडी की चपेट में आकर ये बड़ा धमाका, सीआरपीएफ की गाड़ी आतंकवादियों ने उड़ा दी। 20 से 25 सीआरपीएफ के जवान उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे। 8 के शहीद होने की आशंका जताई जा रही है, 20 से 25 जवान बुरी तरीके से घायल जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। और आप सुन रहे होंगे अब तस्वीरों का, अगर हम आपको ऑडियो सुनाएं तो किस तरीके से बाद में जो पुलिस के वाहन पहुंच रहे हैं, सायरन बजाती हुई ये गाड़ियां पहुंच रही हैं, एम्बुलेंसेस पहुंच रही हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी आप देख रहे हैं मौके पर पहुंचते हुए, क्योंकि जैसे ही सीआरपीएफ की गाड़ी में धमाका हुआ गाड़ी उड़ी, फौरन गाड़ी ने आग पकड़ ली, ऊंची ऊंची लपटें, काला घना धुआं उठते हुए। हालांकि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, घायलों को अस्पताल तक पहुंचा दिया गया है, 8 जवान शहीद हुए हैं। ये बड़ा हमला है, पिछले कुछ वक्त में हुआ बड़ा हमला। और देखिए सरकार की तरफ से बाकायदा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के सफाई के लिए चलाया जा रहा है ऑपरेशन ऑल आउट। और ऐसे में बड़ी बात जो कह रहे थे आसिफ कुरैशी कि कहीं ना कहीं आतंकवादियों की तरफ से ये एक नापाक कोशिश है अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की, उसी के चलते एक तरीके से बौखलाहट में आकर आतंकवादियों की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया। जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन का नाम जिसने जिम्मेदारी ली है इस हमले की। और हमला देखिए किस तरीके से अंजाम दिया गया, राष्ट्रीय राजमार्ग पर। राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब समझते हैं आप, चलती हुई सड़क। उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारूद बिछा दिया गया, आईईडी के जरिए ब्लास्ट किया गया और घात लगाकर निशाना बनाया गया सीआरपीएफ की इस बस को। बड़ा आतंकी हमला हुआ है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर पुलवामा राजमार्ग के बीच। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग है ये राष्ट्रीय राजमार्ग, और यहीं पर आतंकवादियों ने बड़े हमले को अंजाम दिया है। सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाना बनाया गया बाकायदा टाइमिंग के साथ कि किस वक्त कॉन्वॉय की बाकी गाड़ियां गुजरेंगी और किस वक्त आएगी सीआरपीएफ की वो बस जिसमें सबसे ज्यादा सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं, जिसे निशाना बनाकर सबसे ज्यादा नुकसान सीआरपीएफ को पहुंचाया जा सकता है।